यूपी में एक घटना हुई जिसमें एक साधु की निर्मम हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और हत्या और मॉब लिंचिंग में फ़र्क होता है, राइट। जैसे ये घटना हुई उसके बाद तुरंत कांग्रेस ने अपना आक्रामक जो अटैकिंग रवैया है, आक्रामक रवैया है, वो अपनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो पिंकी देवी हैं वो आ गई, वो बोलने लग गई, तो उनकी अम्मा आ गई, सारे लोग आ गए और योगी सरकार के विरुद्ध जहर उगलने लगे, क्योंकि एकमात्र सीएम अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए भी इन्होंने खूब बकवास करनी शुरू कर दी उसको गिराने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उस सीएम ने एक बार भी ये कहा कि इसको ऐसा रंग ना दिया जाए, वैसा रंग ना दिया जाए? उन्होंने सीधे कहा कि जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। और 24 घंटे भी नहीं बीते थे, उस अपराधी को पकड़ लिया गया जिसने नशे की हालत में आपसी रंजिश में इन साधुओं का कत्ल करा। हालांकि साधु वो नहीं है जिसने भगवा वस्त्र पहने, कई लोग ये सन्यासी तो थे नहीं, ये किसी अखाड़े से तो थे नहीं, ये एक नॉर्मल भगवा वस्त्र धारण करे हुए वैसे वाले जो बिना सन्यास के साधु बनते हैं वो लोग थे। अब इनकी इनकी आपस में जो रंजिश थी उस वजह से उस आदमी ने इनका कत्ल करा। उसने बात बताई भी, पूरी कहानी बताई कि कैसे उसने खून करा और किस तरह से वो नशे में था, और वो जाके दूसरी जगह पे सो भी रहा था जहाँ से उसे पकड़ा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये घटना पे और पालघर की घटना जहाँ पर ये कहा जाता है कि बीजेपी ऐसा रंग ना दे या लोग इसको मीडिया इसको बड़ा चढ़ा के ना बताए, क्या बड़ा चढ़ा के बताए, जो तो है वो तो साफ साफ दिख रहा था। यहाँ पुलिस ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, यहाँ पुलिस चुपचाप गई उसे पकड़ के लाई, यहाँ पुलिस ने बिरयानी नहीं खिलाई वहाँ की तरह जैसे फार्म हाउस में रखे उनको बिरयानी खिलाई जा रही है। और मार ये जो शब्द कहे गए थे इनको भी गायब कर दिया गया। तो इस तरह की घटना यूपी में नहीं हुई, यूपी में जो हुआ वहाँ न्याय मिलेगा हमें उम्मीद है। और हालांकि ऐसी घटना होनी ही नहीं चाहिए, इस तरह से हिंदुओं की हत्या होना या किसी की भी हत्या होना ये अच्छी बात नहीं है। ये भी दिखाता है कि हम मानवता के रास्ते से कितना भटक रहे हैं, हम लोगों को आखिर क्या हो गया। हत्या किसी की भी हो वो अच्छी बात नहीं है, किसी भी धर्म किसी भी जात किसी भी पंथ में अगर कोई हत्या करता है या किसी की हत्या होती है ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये वहाँ की सरकारों पर डिपेंड करता है वो किस तरह से कड़ी कार्रवाई करती हैं, जो कि हम यूपी में देखते हैं। कोई अगर पत्थर मारता है तो उसको ईंट का जवाब गोलों से दिया जाता है, उसके घर से घसीट के उसे लाया जाता है, चाहे वो आदमी कोई भी हो। इस तरह से अगर उद्धव सरकार भी काम करती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन उद्धव ठाकरे सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, उनको कोई ना तजुर्बा था ना उन्हें अभी भी कोई कमान संभालनी आती है, ना वो उस पद के लायक मुझे लगते हैं। उन्होंने सिर्फ एक जिद करी और चुनाव लड़ा बीजेपी के साथ और चले गए अलग, और उसका नतीजा आज यह है कि दबाव में बैठे काम कर रहे हैं। सोनिया लेफ्ट कहती है तो लेफ्ट करते हैं, राइट कहती है तो राइट करते हैं, उनकी कोई अपनी इसमें मंशा नहीं चल रही है। इसीलिए कहते हैं जिसके साथ आप खड़े रहें अच्छे बुरे में उसके साथ खड़े रहें, ये नहीं कि थोड़ा सा लोभ देखकर आप आगे बढ़ जाइए ताकि आप किसी के हाथों की कठपुतली ना बने और अपने डिसीजन अपने सामर्थ्य से लें। इसी संदेश के साथ आप सबको हत्या और मॉब लिंचिंग में अंतर बताते हुए, हालांकि मैं इस बात की निंदा करती हूँ कि किसी भी तरह से किसी भी तरह का क्राइम जायज़ नहीं है, किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं होनी चाहिए। हमारे लोग मरे उसका हमें बेहद अफसोस है, कोई भी इंडियन मरे, इंडियन कह रही हूँ मैं, इंडियन मरे, भारतीय मरे और अपने समुदाय का मरे उसके लिए और बुरा लगता है, लेकिन हाँ कोई भी मरे वो बहुत गलत है, क्योंकि इस तरह की हत्या किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराई जा सकती है। लेकिन न्याय दिलाना ये वहाँ के प्रशासन का काम है, ना कि उसे ढकना, ना कि चोरों को लुचक्कों को बिरयानी खिलाना, ना कि आतंकियों को बिरयानी खिलाना, उनके मंसूबों को हवा देना। हर सरकार को ऐसा संदेश देना चाहिए सज़ा देकर कठोर कि आइंदा से अपराध करते हुए अपराधी कांपे, ना कि उनको मनोबल बढ़े। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।